स्वागत है आप सभी का हमारे फूलों के शहर कन्नौज में। और परफ्यूम किस चीज़ के? गुलाब के शहर कन्नौज में। और हमारी सुबह की पूजा हो रही है। जय हो तुलसी मैया, तुलसी महारानी, नमो नमा हरि की पट रानी, नमो नमा, जय हो सूर्य भगवान की। और सुबह का व्यू देखो, बाहर का इतना अच्छा लगता है ना हमारे ग्राउंड का। और बस फिर मैं किचन में आ गई थी, तो मैं बस सबसे पूछ रही थी घर में, मतलब सबसे क्या, दो ही लोग घर में। तो मैं कभी दीदी से पूछ रही, दीदी क्या बनाऊँ नाश्ते में, कभी इनसे पूछ रही थी क्या बनाऊँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो बस मिर्च रखी हुई थी, ये मंगाई तो मैंने अचार के लिए थी, तो अचार मैं 2-3 बार रख चुकी हूँ। तो फिर मैंने मिर्च को काट लिया, छोटे छोटे पीस, जैसे नहीं हमारे यहाँ रेडी पे मिर्च मिलती है उसी हिसाब से। और बस इसको मैंने मिला के, बस थोड़ा सा नमक और हींग जीरा और थोड़ी सी रेड मिर्च डाल दी, ये मिर्च तीखी नहीं होती है, बस सारा कुछ मिला के रख दिया है। तो मैंने इनको फ़ोन किया था, कह रहे 10 मिनट में आ रहा हूँ। और उसके बाद में 10 मिनट का पूरा आधा घंटा भी हो गया था, फिर आए नहीं। हमने दीदी से पूछा आपके लिए सेक दें, तो इसमें जीरा और हींग मैंने बाद में मिलाई है और नमक वगैरह, और मैं मसाले कुछ नहीं मिलाती हूँ। और बस फटाफट से मिर्च दीदी के लिए सेक दे रही हूँ, मैं तो बाद में ही खाऊंगी, ये आ जाएंगे तब। बच्चे हैं नहीं, बच्चों का नाश्ता अलग ही बनता है सुबह। आपको क्या लगा था मैं आपको बगैर खिलाए चली जाऊंगी? ऐसा हो ही नहीं सकता, नज़र ना लग जाए, लोग मुझे नज़र मारने पर रहते हैं, इसीलिए अपनी भी नज़र उतार लेती हूँ और अपने नाश्ते की भी, क्योंकि कोई नज़र उतारने वाला है नहीं, इसलिए खुद ही उतार लेती हूँ। तो बस उसके बाद में मसाले ख़त्म हो गए थे, तो मैं मसाले भर देती हूँ, हल्दी, धनिया पाउडर और मसालेदानी में थोड़े मसाले इधर उधर फैल ही जाते हैं, तो मैं उनको एक सा कर रही थी, लगी लग ये भी काम कर लूँ, गरम मसाला, सब्जी मसाला वो भी भर दे रही हूँ, क्योंकि बार बार डिब्बे फिर ये वाला उठाना पड़ता है मुझे। और बस फटाफट से सब्जी झोंक देती हूँ, इनको आने में टाइम लगेगा। तो मैं सेम की सब्जी बना रही हूँ, काट के रखी थी, आलू एक भी नहीं डाला, हम चीख भी आ रही है। और बस सेम की सब्जी मैंने प्याज लहसुन डाल के, और बस आलू एक भी नहीं डाला है, क्योंकि मैं रसे वाली देखो क्या बनाऊँगी। और तब तक प्याज लहसुन पीस के रख लिया है मैंने, पीसना तो नहीं कहूँगी, ग्रेट कर लिया है, इसमें पिसता तो नहीं है, बस बारीक बारीक कट जाता है। तब तक ये भी आ गए थे, और पता जितनी सारी मिर्च चक्की मैंने एक बार में सारी सेक ली, पर 2 बार में मुझे सेकनी चाहिए थी, पर मैंने एक ही बार में सेक ली, कुछ ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हुई, पर फिर भी हो जाता है कभी कभी। और यहाँ पे मेरी मिर्च सिक रही है एकदम से तीखी वाली करारी, तो बस मेरा नाश्ता रेडी है और टमाटो सॉस, चाय, और मैं गाना भी गाती जा रही हूँ। पता नहीं कान्हा जी के गाने मुझे अच्छे लगते हैं, तो वो भी बज रहे थे, आप लोग भी आ जाइएगा, नज़र ना लगे मुझे, क्योंकि कोई तो कहता नहीं है कि तुम्हें नज़र लग जाएगी, तो खुद ही बोल लूँ। और यहाँ धूप में हम लोग कर रहे हैं अभी नाश्ता, और नाश्ता करने के बाद मैंने बच्चों के कुछ हाथ से कपड़े धुले। बाहर देखो इतनी धूल उड़ा रहे हैं, गाय गाय वगैरह आपस में लड़ती हैं, अब तो हमारे यहाँ काफ़ी कम हो गई हैं, गौशाला में कुछ मतलब गाय भेज दी गई हैं। और उसके बाद में दीदी ने आलू ये छील के और चक्कू से उस गोद के नहीं होते हैं वो, झेक झेक से कर देते हैं, वो कर दिए, तो आलू फ्राई कर ले रही हूँ मैंने, अच्छे से सेक ले रही हूँ। सब्जी हमारी बन चुकी है, सब्जी को मैंने अच्छे से फ्राई कर दिया और सेम की सब्जी रख दे रही हूँ, और उसके बाद में आलू भी फ्राई हो गए हैं, लगी लगी अभी काम कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों का आने का टाइम हो गया, फिर बच्चे मेरे बहुत सतानी करते हैं। और बस यहाँ पे मैंने सारे मसाले घोल के पहले से ही रख दे रही हूँ, मसाले घोल घोल के रख दिए, इसमें आलू डाल दूंगी,
आप अगर सूखी सब्जी रखना चाहें तो इसमें सूखी सब्जी भी बस थोड़ा सा ज़रा सा पानी डाल दो, आलू गल जाए इस हिसाब से। और बस मैं तो ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाऊंगी क्योंकि मैं सूखी सब्ज़ी एक बना चुकी हूँ, इसलिए बस आटा लगा के रख दे रही हूँ क्योंकि ये कह रहे थे मैं तो। और देखना देवा आते ही आते कितना लाड़ दिखा रहे हैं, बैग बैग टांग के दीदी की सारी शिकायत करने में लगे, दीदी ने मुझे ये कहा, दीदी ने मुझे ये कहा, दीदी ने मुझे डांटा, मुझे मारा, मुझे ये नहीं दिया, बस यही शिकायत करने में लगे। बस मैंने दो रोटियां सेक दी हैं, बच्चों को खिला दी हूँ। और देखना जरा जरा सी बात पे कुछ मेरे लिए टॉफी वगैरह लेके आए थे, उसी बात पे दोनों का पंगा हो गया और मान नहीं रहे थे। देखो मेरे पास आ, मेरे पास ज्यादा नहीं। और आज इनको पता है स्वेटर ये स्कूल से मिला है क्योंकि ये अपना नाम वगैरह और ये क्या लगा के वो सब देते हैं। तो बस बच्चों को मैंने खाना खिला दिया था और उसके बाद मैं यहाँ पे पानी वाली रोटी बना रही हूँ। तो बस इसमें मैं थोड़ा सा तवे पे ऑयल लगा लिया है पहली रोटी में, फिर नहीं लगाना पड़ता है। इसी के साथ मैं वीडियो का एंड कर रही हूँ। खाना आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली डेली मिलती रहे। ऐसी नहीं रोटी मेरी फूलती।